दोस्तों कल रात यानी 20 फरवरी को मुंबई में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का आयोजन किया गया। इस अवार्ड शो में कौन कौन सी मूवी रही सबसे शानदार और किस मूवी को या किस एक्टर को अवार्ड से नवाजा गया, जानने के लिए देखिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2022 की घोषणा रविवार यानी कल रात मुंबई में एक स्टार स्टडेड फंक्शन के दौरान की गई। इस दौरान जहां एक तरफ अल्लू अर्जुन स्टारर पुष्पा द राइज फिल्म ऑफ द ईयर रही, तो वहीं रणवीर सिंह को 83 मूवी के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं बात करें बेस्ट एक्ट्रेस के, तो अवार्ड मिला कीर्ति सेनन को मूवी मिमी के लिए। अब आप सोच रहे होंगे कि बेस्ट फिल्म का अवार्ड कौन सी मूवी को मिला है, तो हम आपको बता दें मूवी शेरशाह ने जनता के दिलों पर राज किया है और वो बेस्ट फिल्म का खिताब अपने नाम करने में कामयाब रही। वहीं दूसरी तरफ क्रिटिक्स बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला विकी कौशल स्टारर फिल्म सरदार उधम सिंह को। और अब यही अगर बात करें क्रिटिक्स बेस्ट एक्टर की, तो वो अवार्ड मिला सिद्धार्थ मल्होत्रा को और क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस थी कियारा आडवाणी। क्या आपको लगता है कि जिन्हें भी अवार्ड से नवाजा गया है, क्या वो इस अवार्ड के योग्य हैं या कोई हकदार इस रेस में पीछे रह गया? आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने फेवरेट स्टार की लेटेस्ट अपडेट के लिए स्टे ट्यून्ड टू मिटिया दरबार एंटरटेनमेंट चैनल। थैंक यू।